जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? अभी अभी नंदिनी दीदी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तैयार रहो, वहाँ पर सब राजी खुशी बातें हो गई। मेरी बच्ची। देखा, बात करने से ही बात बचती है। अच्छा हुआ जो तेरे बाबू जी साथ गए। अक्षरा, मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ। देख, जब ऐसा तुझे लेने जरूर आएंगे। अक्षरा दीदी, दादी, वो लोग आ गए। चल अक्षरा, चलते हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, अगर हम वहां नहीं जाते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अक्षरा तो कभी शिकायत करती ही नहीं। बेटा, क्या जमाई सा ने आपको घर से जाने के लिए कहा था? हमने माना कि मायके आकर अक्षरा से गलती हुई है, लेकिन वहां जाकर हमें पता चला कि गलती सिर्फ अक्षरा से नहीं हुई है। क्या अपनी पत्नी को कोई यूं ही घर से जाने के लिए कहता है? हमने उनसे कह दिया है कि सबसे पहले जमाईसा और अक्षरा के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो, वो अक्षरा को बुलाने खुद आए, तभी ये जाएगी, ऐसे नहीं। समझते क्यों नहीं है, हम लड़की वाले हैं, हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अक्षरा अपने ससुराल लौट जाए। आपको उनके सामने वो शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। अगर वो लोग हमसे नाराज हो गए तो अक्षरा का वहां लौटना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने हमें मिलने की अनुमति दी, बात खत्म करने की कोशिश की कि सुलह हो जाए, और आप ये सब बोला है। शौर्य की माँ, वो लोग सुलह सिर्फ अपनी मान मर्यादा के लिए चाहते हैं, अक्षरा के लिए नहीं। उन्होंने अभी तक आपकी बेटी को माफ नहीं किया है, और फिर अगर जमाईसा अभी तक अक्षरा से नाराज है तो फिर हम अपनी बेटी को वहां क्यों भेजें? आप ठीक कह रहे हैं दादा। दामाद जी को यह बात समझनी होगी कि उन्होंने अक्षरा को घर से निकालकर ठीक नहीं किया। हाँ उम्मी, नहीं तो वहां जाकर भी अक्षरा को ही दोषी माना जाएगा। ना स्थिति बदलेगी
ना मन बदलेंगे। फिर इसे वहां भेजने का अर्थ ही क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? ये सब सुनकर तो मेरी सांस अटक रही है। देखिए शौर्य की माँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अक्षरा के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम अपनी बेटी को मान सम्मान के साथ अपने ससुराल जाते देखना चाहते। जल्दबाजी में हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जब आयशा यहां आए, इन दोनों के बीच जो भी मसला है वो हल हो, तभी अक्षरा यहां से जाएगी। देखिए बेटा, उस घर में आपकी पहचान आपके पति से है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि वो आपका मान रखे, आपको सम्मान से यहां से ले जाए। अक्षरा, हमारे होते हुए आप चिंता क्यों करती हैं? हम हैं ना। ये क्या कह रहे हैं? हम लड़की वाले हैं, अगर हम यहाँ में रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? हमें झुकना होगा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। माँ, आप इन्हें समझाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली। दीदी चुप चुप बोलिए। माँ आप चुप क्यों हैं? आप ही तो कहती है ना कि झुकने में कोई बुराई नहीं है, फिर आज आप क्यों चुप हैं? बड़ी बहू, सिर्फ झुकने की बात होती तो विशंबर जरूर झुकता, पर यहां हमारी बेटी के ससुराल में उसके सम्मान की बात है, उसके लिए कोई समझौता नहीं। विशंबर ने सही किया है। माँ, आप भी? इसे तो कोई हल ही नहीं निकल पाएगा। माँ, पहले आप चिंता छोड़िए। मैं कैसे छोड़ू चिंता? अक्षरा का क्या होगा? बड़ी बहू, विशंबर को समझने की कोशिश करो। क्या गलत है? उसने यही कहा है ना कि दोनों को नई शुरुआत करनी होगी एक विश्वास के साथ। गलतियां तो दोनों से हुई होंगी, पहले आपस में अपने गिले शिकवे दूर कर लें, वरना अक्षरा का वहां जाने का कोई मतलब नहीं। अब तो ये बात पूरी बिरादरी में फैल जाएगी कि हमने अपनी बेटी को घर पर बैठा लिया। जी आप कुछ करिए ना। पहले आप लोग चिंता करनी तो बंद कीजिए। दादा ने जो किया है बहुत सोच समझ कर ही किया है। अभी तक घर से फोन क्यों नहीं आया? जी साहब, मैं घर जा रहा हूं।
मैनेजर साहब से कह देना अगर मुझसे कुछ काम होगा तो घर पे फोन कर लेंगे। जी ठीक है साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया था मोहित? हाँ वो पता नहीं जल्दी जल्दी मैं फोन कैसे घर पे ही छूट गया। खैर जाने दीजिए, अब सारी बात जानकर मुझे भाभी की बहुत फिक्र हो रही है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मैंने अक्षरा से कहा था कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। अक्षरा की इस हालत के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं मोहित। अब बिल्कुल सही कह रही है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। आप उनसे एक बार बात जरूर कर लीजिए। मैं उसे फोन कर लूंगी। आपको हमसे बहुत आशा थी ना बेटा, हमेशा माफ कर देना बेटा। नहीं बाबूजी, देखिए बेटा, जब हमें पता चला कि जमाई साह ने आपको वहां से जाने के लिए कहा है तो हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। वहां जो कुछ भी हुआ, जिसके कारण अब दोनों के रिश्ते में गांठ पड़ गई है, उसे खोले बिना हम आपको वहां कैसे जाने दें? कहीं आपके रिश्ते और न उलझ जाएं। आप समझ रही है ना? बेटा हम जानते हैं उस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले, वो भी ये चाहते हैं कि आप वहां लौट जाएं, लेकिन हम ये नहीं जानते बेटा कि उनके दिल के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं या नहीं। और ये दुविधा हमारे मन में तब तक रहेगी जब तक आपके और जमाई साह के बीच जो भी मनमुटाव है वो दूर ना हो जाए। जमाई साह आपको लेने आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी बेटी को आदर और सम्मान से ससुराल में वापस बुलाया गया जिसकी वो हकदार है। बेटा कौन सा पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी सुख से और आदर पूर्वक अपने ससुराल में रहे। हम समझते हैं बेटा आप किस वेदना से गुजर रही है, बस थोड़ा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने जो कुछ भी किया है आपके भविष्य के लिए किया है बच्चा। कहीं आप अपनी मां की तरह हमसे नाराज तो नहीं? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरा भला चाहते हैं। मारा विश्वास रखना अक्षरा,
आप बहुत जल्द सम्मान पूर्वक अपने ससुराल लौटेंगे, बहुत जल्द। इनकी जिद की वजह से सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। भाभी, सही तो वो लोग भी नहीं। अब उन्हें कोई क्या कह सकता है? जानते हैं दीवर जी, उन्होंने अक्षरा की शिकायत की है मुझसे, कहा कि उसका मन तो आप सब में ही लगा रहता है, बार बार मायके जाती रहती है। लो, आती कितना है वो यहाँ। अब उनसे मैं क्या कहती? छोटी बेटी है हमारी, हमने विदा किया है, कोई अपने मन से भुला नहीं दिया है उसे। देखा बड़ी बहू, मैं ना कहती थी कि बार बार बेटी को फोन मत करो, दो नाव में पैर धरवाओगी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। कितनी गलत फहमी हो गई दोनों परिवारों में, जिसका असर अक्षरा और जवाई सा के रिश्तों पर पड़ने लगा। मां, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें? एक तो वो लोग नाराज हैं, ऊपर से अक्षरा के बाबू जी उनके सामने अपनी शर्त रखाए, अब अक्षरा अपने ससुराल वापस कैसे जाएगी? हाँ मां, अक्षरा को तो निभाना उन्हीं के साथ है, ये बात जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है हम सबके लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मां, मां आप एक बार इनसे बात कीजिए ना। वो बेटी के प्यार में तुमने अपनी सुध-बुध खो दी है। विश्वंबर जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। क्या हुआ? आपने मुझे फोन नहीं किया, मैं आपके फोन की राह देख रहा था। दादाजी और बाबूजी के बीच में क्या बातें हुई? क्या बताएं मुन्ना, जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। मतलब? बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि अक्षरा घर वापस आ जाए, लेकिन इनके इरादे ऐसे नहीं लगते। तेरे दादाजी बात कर रहे थे, लेकिन समधी जी अचानक बोल पड़े कि अक्षरा तभी आएगी जब तू जाकर उससे बात करेगा, और जब तू उसे लेकर आएगा तभी वो यहां आएगी, वरना नहीं आएगी। दादाजी की बातों का तो जैसे मान ही नहीं है। हम चाहते हैं कि बहू यहां आए, लेकिन उन्हें तो तुम्हारे दादाजी की सुननी ही नहीं थी। वो तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि हमारे सामने तो शर्तें रखकर चले गए। हाँ, लेकिन वो ऐसा कह कैसे सकते हैं? इसी बात की तो हमें भी हैरानी है मुन्ना। ये तो दादाजी का अपमान है, और वो अक्षरा की ना आने की ऐसे शर्तें रखे कैसे चले गए? हद होती है। और मेरी सोच क्या दादाजी से अलग है कि मुझे उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी? अरे यही तो मैं कहना चाहे था कि मारा मुन्ना कभी मारे विरुद्ध ना जा सकता। अरे हम तो बहू को लिवाने की बात कर रहे थे, पर वो लोग पता नहीं क्या चावे हैं,
पर एक बात तो तय है कि बहू को लिवाने इब कोई ना जावेगा वहां। उसे जबाना है आवे अपने मन से। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।